हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके एक अपडेट आया हैगा दोस्तों, और वजारत तालीम की तरफ से एक अपडेट हैगा दोस्तों। चलिए आपको बताते हैंगे दोस्तों। आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हैगा दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बेल आइकन दबा के उसको ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एयर इंडिया ने ट्वीट करके बताया है कि अहमदाबाद से मस्कत, मुंबई से दुबई और मुंबई से जद्दा और मुंबई से दम्माम और हैदराबाद से रियाद जाने वाली सीधी फ्लाइटें का सर्कुलर जारी किया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ में दोस्तों हैगी। जो भाई वैक्सीनेट हो चुके हैंगे, दो कोरोना की वैक्सीन ले लेने हैं, वो सीधे सफ़र कर सकते हैं दोस्तों। और जिन भाइयों ने अभी इंडिया में कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, जो WHO ने पास किया है दोस्तों, वो कोरोना वैक्सीन ले लें दो खुराक और अपना सफ़र जारी कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों एयर इंडिया के वेबसाइट पर जाके आप टिकट के बारे में पता कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वजारत तालीम की तरफ से अपडेट आया है कि 12 साल के कम उम्र के बच्चे अभी मदरसा नहीं जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेज जैसे चल रही वैसे ही चलेंगी, ताकि कोरोना के संक्रमण बच्चों तक ना पहुँच सके। तो दोस्तों, अभी सऊदी अरब के हालात आप देख रहे हैं कितने बेहतर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर देखिए, सऊदी कोरोना की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे हो गए, और इंशाल्लाह आगे आगे और भी बेहतर हो जाएंगे। और दोस्तों, इंडिया से एक अपडेट है कि दोस्तों, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन है दोस्तों, और कुशीनगर से पहली उड़ान कोलंबो और श्रीलंका से आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जो भाई मेरे अभी छोटे बच्चों को मदरसा ले जाते हैं, उनके लिए अभी राहत की खबर है कि दोस्तों, अभी वो सुबह की नींद ले सकते हैं, अभी उनको जाने की ज़रूरत, जो जिनका सिर्फ छोटे बच्चों का मदरसा आएगा, बाकी इनका मैडम का नहीं है, उनका लिए अभी राहत है, वो अभी सो सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ कैसी लगी है दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर दबा के दोस्तों कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।